हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के। हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन अ मीटर ब्रिज, फिगर में एक मीटर ब्रिज आपको दिखाया हुआ है। तो उस मीटर ब्रिज में द बैलेंस पॉइंट इज फॉर्म्ड टू बी 39 सेंटीमीटर फ्रॉम दी एंड ए। ए एंड से जो बैलेंस पॉइंट है उसकी जो लेंथ है वो 39.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट, जहां पर डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर की जीरो हो जाएगी। एंड रेजिस्टर वाइज 12.5 ओहम। तो ये जो रेजिस्टेंस है वाई, इसकी वैल्यू 12.5 ओहम हमें गिवन है। डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो 100 माइनस L यानी कि जो BC है वो हम लोगों के पास क्या आ गई, 100 में से 39.5 माइनस करेंगे तो 60.5 सेंटीमीटर लेंथ ये हमारे पास हो गई। जो AB का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AB, उसे रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल P के साथ, और जो रेजिस्टेंस है BC का उसे रिप्रेजेंट किया गया है Q के साथ। और अगर हम लोग लेट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ की आप रेजिस्टेंस को क्या लेट कर लोगे, स्मॉल r लेट कर लोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये वाली लेंथ है इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 39.5 R, और BC की रेजिस्टेंस हो जाएगी 60.5 r ओम। तो मीटर ब्रिज में हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो कैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को जो रेजिस्टेंस है उसकी टर्म में ये फॉर्मूला बनाना होता है और बाद में उसे हम लोग लेंथ के ऊपर लैच कर देते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स अपॉन वाई यानी कि लेफ्ट साइड वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय राइट साइड वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसके सामने वाली लेंथ डिवाइडेड बाय वाई के सामने वाली लेंथ यानी कि 100 माइनस L। तो ये फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाले हैं ताकि एक्स हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस ऑफ AB P, रेजिस्टेंस ऑफ BC Q, और अगर ये चीज हमें नहीं भी पता फिर भी हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स तो हमें फाइंड करना है, वाई की वैल्यू 12.5 है, लेंथ बैलेंस पॉइंट की 39.5 है और 100 माइनस L 60.5 है। तो अब अपन एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई 395 डिवाइडेड बाय 605 मल्टीप्लाई बाय 12.5। तो मुझे जो आंसर है वो 8.16 ओम जो है वो यहाँ पर मिल गया, यानी कि एक्स का रेजिस्टेंस 8.16 ओम है। तो ये हमारा ए में जो पहली चीज थी वो हमें मिल गई है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। आगे उन्होंने बोला है वाई आर कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर इन अ वीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये वाली कॉपर की स्ट्रिप्स है। तो कहते हैं कि आपको स्ट्रिप्स की क्यों जरूरत पड़ी है थिक मीटर ब्रिज में, जो कनेक्शन करने हैं आपने उसमें आप कॉपर स्ट्रिप्स का यूज क्यों कर रहे हो, वो भी थिक का। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रो L बाय A होता है।
तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड कर गया। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब इस मीटर ब्रिज में या फिर जब अपन व्हीटस्टोन की बात करते हैं तो हम लोग ये जो कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस होते हैं इनको नेगलिजिबल मान के चलते हैं। तो वो नेगलिजिबल कब होगा, जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट कंडक्टर यूज करते हैं। तो वो ही हमने यूज किया कॉपर, और थिक क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कॉपर की स्ट्रिप यूज करने का फायदा ये है कि रेजिस्टिविटी लो हो जाती है, और थिक इसीलिए यूज करते हैं ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। दोनों ही फैक्टर्स मिलके जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, और इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा हमारी रीडिंग्स को, और ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास आएगी। तो इसका जो आंसर है वो कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, एज कॉपर स्ट्रिप्स हैव लो रेजिस्टिविटी एंड ड्यू टू थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी मोर। बोथ फैक्टर्स विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस, हेंस नो इफेक्ट ऑन द वैल्यूज कैलकुलेटेड। तो वैल्यू जो कैलकुलेट होगी उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम का मतलब क्या है चीज, हमारे पास ऑलमोस्ट हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। और वो जरूरी क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला में कॉपर स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस है वो काउंट नहीं किया गया, और ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख दोगे। ओके, बी पार्ट देखिए क्या है, तो आप इसे एक को रिरेज कर देते हैं। बी पार्ट है डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। आपने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया तो कहते हैं बैलेंस पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा, या बैलेंस पॉइंट पता करें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, और वो बात है क्या कि अगर एक्स और इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज एल एंड 100 माइनस एल विल ऑल्सो बी इंटरचेंज्ड मीन्स न्यू बैलेंस पॉइंट विल बी एट 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। तो अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे, एल और 100 माइनस एल भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 100 माइनस एल हमारे पास 60.5 था, तो अब वो ए से डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि बैलेंस पॉइंट आप लोगों का दूर चला जाएगा। तो बस यही याद रखना है कि अगर एक्स और वाई इंटरचेंज कर देंगे तो बैलेंस पॉइंट की लेंथ वाली भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये आप लोगों को बी पार्ट पूछा गया था।
इसको इरेज कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से कैच करनी है बात। सी पॉइंट, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल इंटरचेंज एट बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करते, अदला बदली करते बैलेंस पॉइंट पे, तो क्या होगा? तो मतलब आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है यहाँ पर और सेल लगा दिया यहाँ पे, तो कहता है इससे क्या असर होगा? तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दोगे। उसके बाद पूछा है कि क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो करेगा। अब अगर ब्रिज में कोई चेंज ही नहीं आया तो मतलब वो अभी भी नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? कोई करंट शो नहीं करेगा क्योंकि वो वहां पर बैलेंस्ड ही रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट। तो इसका मतलब है क्या याद रखा जाएगा यहाँ पे, कि अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हैं बैलेंस पॉइंट पर तो कोई भी बदलाव नहीं आता और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ही शो करेगा, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है। तो इस तरीके से आप लोगों का सी पार्ट भी डन हुआ। तो ए बी सी तीन पार्ट्स थे, मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो याद क्या रखना है फॉर्मूला, एक तो कि एक्स अपॉन एल या एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल अगर बैलेंस पॉइंट निकालने की बात हो। अगर एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे तो लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी, सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने पर बैलेंस पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ता और गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो करंट ही शो करता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या है। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, एक बैटरी है 8 वोल्ट ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, स्मॉल आर को मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं जो है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ अपने को दिया हुआ है 8 वोल्ट एंड यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, एक रेजिस्टर लगा हुआ है 15.5 ओम। ये दो दूसरी बात हो गई, और हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं, ये अपन ने लगा दिया चार्जर, और चार्जर में कौन है, एक बैटरी है जो 120 वोल्ट की है। तो दिस इज योर चार्जर 120 वोल्ट लाइक दिस। ओके, तो हमारे अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस बना देंगे हम लोग ये बैटरी का, दैट इज स्मॉल, इसकी वैल्यू 0.5 ओम है, ये बेसिकली सीरीज में काउंट किया जाता है। तो अब हमसे पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इस बैटरी पे टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है जब ये चार्ज हो रहा होगा। तो मतलब हमारे क्या फाइंड करना है, स्मॉल ई प्लस आई आर, व्हाट इज ई हेयर ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, इसके अक्रॉस हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक चीज, दो तीन बातें हैं जो हमें मतलब यहाँ पे डिस्कस करनी है पहले, जो मैं बॉक्स बना के यहाँ पे करता हूँ।
एक तो आपकी बात होती है चार्जिंग और एक होता है डिस्चार्जिंग। जब ना आप चार्जिंग की बात करते हो भी आपका जो बैटरी या सेल है वो चार्ज हो रहा है, जैसे अपन इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हैं, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा ईएमएफ से बढ़ाता है। लेकिन अगर वही सेल या बैटरी डिस्चार्ज होता है, मतलब हमारी इन्वर्टर या बैटरी लाइट चली गई है और हमें सप्लाई दे रही है करंट की, तो उसमें टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से छोटा आता है। तो अभी चार्जिंग कर रहे हैं तो यानी कि हमारा जो ईएमएफ है वो छोटा रहेगा और टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ा रहेगा। अगर मैं चार्जिंग की बात करता हूँ तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा कि फॉर्मूला क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। लेकिन अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात कर देता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला में ई माइनस आई आर आ जाएगा। तो मतलब ये दो बातें हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, क्योंकि मुझे चार्जिंग की बात करनी है तो मैंने बीच में पॉजिटिव लगाया। अब बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट करंट। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली यू नो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और वी कैन सिंपली से रेजिस्टेंस, ये ओहम्स लॉ है तो लगेगा यहाँ पे। अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, चार्जर है 120 का, बैटरी है 8 वोल्ट की, जब भी अपन चार्ज करना होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल को चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और जब सेम पोलैरिटी वाले ऐसे कनेक्ट होते हैं आपस में, तो जो वोल्टेजेस होती है नेट वोल्टेज वो आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेट वोल्टेज, सर्किट के अंदर नेट वोल्टेज कितनी है, 120 में से 8 माइनस कर दूंगा तो 112 वोल्ट रह जाएगी। तो 112 वोल्ट जो है वो मेरे पास नेट वोल्टेज है इस सर्किट के अंदर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और एक ही कैपिटल आर लगा लेते हैं अपा, कैपिटल आर लिख लेता हूं मैं इसको, जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15.5 ओम। अब जैसे मैंने बताया जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हम लोग मान के चलते हैं, तो यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो 0.5 में 15.5 अपन ऐड करेंगे तो 16 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस बच जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 7 ओम। तो जो करंट की वैल्यू है, सॉरी 7 एम्पियर, करंट एम्पियर में होता है, तो 7 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से या इस सेल या बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अब आपके पास टर्मिनल वोल्टेज का जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अपा वैल्यूज को पुट कर देते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू है, सब वैल्यूज आपके पास है, तो 8 प्लस ये आपके पास आ गया 3.5, तो 11.5 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है, ये चार्जिंग के दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, अब उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन चार्जिंग सर्किट। तो कहते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस क्या है। देखिए आपको पता है अगर रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया है तो उससे क्या होता है, करंट को फ्लो करने में दिक्कत आती है, तो वी कैन से टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट का अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 15.5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। अगर वैल्यू ज्यादा, अगर ये नहीं लगाएंगे तो बहुत ज्यादा करंट सर्किट में से फ्लो करेगा और वो हमारे सर्किट को डैमेज या बैटरी को भी डैमेज कर सकता है, वो डेंजरस होता है। तो इसीलिए करंट का अमाउंट कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो करंट की अमाउंट है वो आपको पता है कम हो जाती है। तो ये आ गया सेकंड का आंसर। तो आपको पता क्या चला इसको न्यूमेरिकल में, कि चार्जिंग करते हैं तो
तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो जाता है, और अगर डिस्चार्जिंग होती है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा हो जाता है। और अगर हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, चार्जिंग में हमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है, तो इसलिए नेट वोल्टेज माइनस करके हमारी निकल कर आती है। और सीरीज रेजिस्टर लगाने का पर्पस क्या है, ताकि रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो कम होगा और वो हमारे बैटरी या सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अदरवाइज हाई अमाउंट का करंट फ्लो करके हमारे सर्किट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।